नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गाने SYL को भारत में बैन कर दिया गया है। सिद्धू का यह गाना पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहे SYL के मुद्दे पर प्रतिक्रिया था। इस गाने की वजह से SYL विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। SYL विवाद क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। SYL का अर्थ है सतलुज यमुना लिंक नहर। इस कहानी की शुरुआत 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के साथ ही पड़ गई थी। इस पुनर्गठन के तहत ही हरियाणा स्वतंत्र राज्य बन गया था। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ तो दोनों राज्यों के बीच में जो नदियों का पानी था, इसका भी बंटवारा जो था वो सुनिश्चित नहीं किया गया था। केवल केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के जरिए कुल 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को आवंटित कर दिया गया था। फिर इस पानी को पंजाब से हरियाणा लाने के लिए SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने का फैसला किया गया और इस नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर थी। इस फैसले के बाद पंजाब के किसान पानी के इस बंटवारे के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इसके बाद साल 1981 में समझौता हुआ और पूर्व PM इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव में SYL का उद्घाटन भी किया था। इधर हरियाणा अपने क्षेत्र में नहर बना रहा था और दूसरी ओर पंजाब में तो विवाद और भी बढ़ता गया। अभी भी पंजाब नहर का काम नहीं कर रहा था। 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने SAD प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल से मुलाकात की थी और फिर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। हरचंद सिंह लोंगोवाल को समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने से भी कम समय में आतंकवादियों ने मार दिया। 1990 में नहर से जुड़े रहे एक मुख्य इंजीनियर ML सेखरी और एक अधीक्षण अभियंता अवतार सिंह ओलो को भी आतंकवादियों ने मार दिया। नहर के पानी के चलते हरियाणा सरकार ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। इसके बाद 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एक साल में सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान हरियाणा ने तो अपने हिस्से में आने वाली 91 किलोमीटर नहर का निर्माण समय सीमा में पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने हिस्से की 122 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नहर बनाने के फैसले के खिलाफ 4 जून 2004 में पंजाब सरकार ने भी अपनी याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब पंजाब सरकार ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। इस तरह से पंजाब ने हरियाणा को पानी देने वाले समझौतों को मानने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, आगे जाकर मार्च 2016 में पंजाब सरकार ने नहर बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को लोगों को वापस करने की बात कही। इसके लिए एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। पंजाब के क्षेत्र में खुदी हुई नहर को मिट्टी से भर दिया गया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए जाते रहे हैं और पंजाब नहर ना बनाने के अपने फैसले पर अड़ा रहा है। 2017 में तो SYL मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी पंजाब सरकार के खिलाफ दर्ज हुआ था। आगे भी कई बार दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच बातचीत और सामंजस्य बैठाने की कोशिशें की गई, लेकिन इस बीच कभी भी बात नहीं बनी और मामला यूं ही चलता रहा। तो दोस्तों, ये थी सतलुज यमुना लिंक नहर अर्थात SYL की सारी राम कहानी। सिद्धू मूसेवाला के इस आखिरी गाने ने फिर से इस मुद्दे को एक बार हवा दे दी है। अब देखना यह है कि इस गाने के बाद इस विवाद में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ।